हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित मंगोल आर्ट एंड स्कल्प्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक महिषासुर का फेस, ठीक है। तो उसके लिए पहले ऐसे कर लीजिए एक स्ट्रक्चर, ह्यूमन फेस का जैसे एक स्ट्रक्चर होता है वो पहले आप दे दीजिए इस मिट्टी में, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे। तो देखिए मैंने लगभग एक शेप दे दिया है, उसके बाद सर का जो शेप है वो हम करेंगे। लड़कियों के सर का शेप थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये मेल है, मेल का सर का कटिंग थोड़ा अलग होगा। तो देखिए मिट्टी से पहले ऐसे कर लीजिए, और आपको ये शेप को ध्यान, ये शेप बहुत ही ज़रूरी है। हर एक मेल की सर का कटिंग ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ लाइन दे दीजिए ऐसे, सेंटर लाइन और आई लाइन, और नाक का लाइन भी आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसे छोटा करके, क्योंकि नाक थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, वहाँ पर टीथ होगा, थोड़ा एरिया लगेगा। टीथ निकल के आ गया ना, थोड़ा एरिया लगेगा। और नाक को ऐसे बैठा दीजिए अच्छे से एकदम। उसके बाद दो गोलाई बना के नाक के पास ऐसे सेटिंग कर दीजिए। तो देखिए मैंने नाक का सिर्फ एक स्ट्रक्चर मैंने रखा है, आप ही स्ट्रक्चर ही रखिए, बाद में आप पानी देके ठीक ठाक करेंगे, ओके। उसके बाद आप ऐसे टीथ बनाएंगे, मतलब होंठ बनाएंगे। तो होंठ के लिए ऐसे मिट्टी से दो छोटे छोटे ऐसे कॉयल बना लीजिए मिट्टी से, इसको कॉयल बोलते हैं। और फेस जो है वो थोड़ा डल रहेगा, मतलब थोड़ा सैड रहेगा, थोड़ा गुस्सा वाला भी होगा, तो इसलिए कॉयल्स को थोड़ी बेंड कर दीजिए नीचे की तरफ तो अच्छा होगा। तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और नाक का जो पॉइंट है वहाँ से आप ये दो उंगली से ऐसे हल्का प्रेशर का अप्लाई करके ऐसे बैंड कर दीजिए, मतलब जहाँ जहाँ पर आपको डेप्थ कम करना है वहाँ पर कम कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर आपको बढ़ाना है आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। और होंठों के नीचे जो हड्डी टाइप का एरिया है वहाँ पर एक जस्ट गोलाई बना के आप जस्ट बैठा दीजिए, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करेंगे। वहाँ पर टीथ होगा तो इसलिए जस्ट एक लाइन आप थोड़ी बना लीजिए तो आपको आसानी होगी काम करने में। उसके बाद एकदम पतला पतला करके मिट्टी लेके सर पे लगाइए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेके ऐसे कर दीजिए। तो अभी देखिए सर के बीच में थोड़ा सा डाउन रहेगा, ठीक है, सर के बीच में और नाक के ऊपर, नाक का स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, ओके, थोड़ा डाउन होगा तो अच्छा दिखेगा। और उसके बाद जो हड्डी टाइप का जो एरिया है मैंने बताया आपको, उसको आप अच्छे से फेस के साथ एकदम मिला लीजिए, ठीक है। और सर की यहाँ जो शेप है उसको, वो शेप को आपको ठीक ठाक करके एकदम रखना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद आँखों के लिए दो ऐसे बॉल बना के आप कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से एकदम मिला लीजिए। फिर मैंने आँखों को फेस के साथ अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद हम आँखों को ड्राइंग करेंगे कोई भी टूल से। देखिए आँखों का जो सामने की तरफ, मतलब जहाँ पर नाक है, नाक की तरफ जो एरिया है आँखों का, वहाँ पर हम थोड़ा डाउन रखेंगे तो अपने आप ही एक गुस्सा वाला जो फेस है वो लगने लगेगा, ठीक है। आईब्रोज को थोड़ा नीचे की तरफ डाउन कर दीजिए और दूसरी तरफ थोड़ा उठा दीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है, तो गुस्से का फेस आ जाएगा लगभग। तो देखिए मैंने दोनों आँखों को अच्छे तरीके से एकदम ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद होंठ को थोड़ा ठीक ठाक करेंगे। सैड फेस और गुस्सा वाला फेस दोनों ही आपको रखना पड़ेगा तो और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। और देखिए मैंने नाक का पास जो एरिया है आँखों का, जो नाक की तरफ हो रखा है, वहाँ पर मैंने थोड़ा डाउन रखा है, तो आप भी वही कीजिए।
और अब हम महिषासुर के टोन करेंगे। ये देखिए ऐसे एक कॉइल बना के पीछे की तरफ थोड़ा प्रेशर बना के अब ऐसे कर दीजिए थोड़ा थोड़ा पानी लेके। पहले आप ज़्यादा पानी यूज़ ना करें तो फट सकती है जो आप बनाएंगे, बाद में आप पानी देके ठीक ठाक करिए। एकदम पहले आप जितना कम पानी यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। और जहाँ जहाँ पर आपको मिट्टी देना है वहाँ वहाँ पर आप मिट्टी दे दीजिए। नाक के यहाँ पर थोड़ा एकदम पतला पतला कॉइल बना के आप दे दीजिए, ठीक है, तो अच्छा लगेगा और भी अच्छा लगेगा। और एक सैड फेस गालों के यहाँ पर सैड फेस आपको बनाना है, आँखों के साइड में आपको गुस्से वाला जो टोन है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक सैड वाला फेस आ गया। और फिर आईब्रोज को ठीक ठाक कर ले अगर हम करें तो एक गुस्सा वाला फेस आ जाएगा। और हर एक मेल का हम जो ये हड्डी टाइप का जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रखिए, ये हर एक मेल का आपको करना पड़ेगा, थोड़ा चौड़ा रखिए हड्डी टाइप के एरिया को। हड्डी टाइप का जो एरिया है उनके दोनों साइड में मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर दिया हूँ तो और अच्छा लगने लगा है, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। तो आप भी थोड़ा मिट्टी वहाँ पर ऐड कीजिए। और अब आईब्रोज में आते हैं, ऐसे आपको बैंड करना पड़ेगा तो एक गुस्सा वाला जो है आपको लगने लगेगा धीरे धीरे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप फेस के साथ अच्छे से एकदम कर लीजिए, क्योंकि वो आईब्रोज है, एकदम ठीक ठाक कर लीजिए। देखिए एक गुस्से वाला फेस आ गया। तो अभी सर को थोड़ा ठीक ठाक करेंगे क्योंकि वो बहुत ही डाउन हो गया है, तो थोड़ा और मिट्टी हम वहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा और मिट्टी ऐसे हम ऐड करेंगे तो एक सर का जो पोर्शन होता है वो ठीक ठाक एकदम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप उसको अच्छे से मिला लीजिए। और जो कटिंग है उसको आपको रखना ही है। और थोड़ा थोड़ा ऐसे लाइन में आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर छोटा छोटा लाइन आपको देना पड़ेगा, तो और भी गुस्से वाला फेस और सैड फेस वो दोनों ही आ जाएंगे। ओके, देखिए आंखों को थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिए। ये देखिए ऐसे छोटा छोटा नाक का पास दो छोटे छोटे मैंने लाइन लगाए। अब उसके बाद एकदम ड्राई ब्रश लेके थोड़ा हल्का हल्का करके झाड़ लीजिए, तो जितना जो मिट्टी वहाँ पर लगा हुआ है वो निकल जाएगा धीरे धीरे, छोटा छोटा जो मिट्टी लगा हुआ है वो निकल जाएगा। आईब्रोज में थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कीजिए क्योंकि बहुत ही अगर गड्ढा टाइप का हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद इस फेस के हिसाब से थोड़ा छोटा मूंछ हमको रखना पड़ेगा। आप पहले थोड़े मूंछों का कुछ सैंपल बना के, मतलब जस्ट एक स्ट्रक्चर बना के आप पहले देख लीजिए कि आपका फेस में कौन सा मूंछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। थोड़ा होंठ को, होंठ का जो एरिया है एकदम ऊपर की तरफ जो होंठ का जो एरिया है उसको थोड़ा निकाल के रखिए तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद दांतों को धीरे धीरे कर लीजिए। देखिए छोटा छोटा लाइन मैंने लगा रहा हूँ, वो आप भी लगाइए तो अच्छा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए ऊपर की तरफ दो ऐसे लाइन बस, ठीक। देखिए एक हो गया, एक गुस्सा वाला फेस और सैड वाला फेस आ गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेके थोड़ा पॉलिश कर दीजिए, थोड़ा स्मूथ बना दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम कान बनाएंगे, देख लीजिए
तो नाक जहाँ से आप शुरू किए हैं वहाँ से कान भी शुरू होगा, और जहाँ पर ख़त्म किए हैं नाक को वहाँ पर कान ख़त्म होगा, ठीक है। और आंखों को तो साइड में रखिए क्योंकि वो दुर्गा माँ का तरफ देख रहा है, तो इसलिए ऊपर की तरफ रखिए पॉइंट को और दुर्गा माँ की तरफ रखिए। हो गया पूरा फेस। और यहाँ पर जो ऐसे पानी मेरा हाथ का जो कुछ निशान वगैरह हो रहा है उसको सूखने के बाद, थोड़ा सूखने के बाद आप पानी से उसको ठीक कर दीजिए।